वाती श्रीवास्तव शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। श्री हरिकोटा चंद्रयान 3 की आज चांद पर लैंडिंग होने जा रही है। जो वक्त दिया गया है 6:04 पर लैंड करेगा चंद्रयान। शाम 5:45 पर लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 4 चरणों में लैंडिंग होगी, यानी कि आज जो इतिहास है उसको रचा जाएगा। चंद्रयान 3 की आज चांद पर लैंडिंग होगी, 4 चरणों में होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया, यानी कि जो पूरा प्रोसेस होगा 4 चरणों में होगा। साउथ पोल पर होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग, जहां पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। चांद पर सॉफ्ट वाला चौथा देश बनेगा भारत। कैमरे लगातार सेफ एरिया की तलाश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चांद की सतह से जानकारी भेजेगा रोवर प्रज्ञान। लैंडिंग के 15 से 30 मिनट बाद निकलेगा बाहर। विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद रहेगा रोवर प्रज्ञान। चंद्रमा की सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोगों को भी अंजाम दिया जाएगा। चांद पर रोवर प्रक्रिया रहेगी और लैंडर विक्रम तैनात वहां पर रहेगा। लैंडिंग को लेकर इसरो का प्लान बी भी तैयार है। किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो 27 अगस्त को इसकी दूसरी लैंडिंग करवाई जाएगी। इसरो से भी नहीं मिल सकेगा लैंडर को कमांड। लैंडर मॉड्यूल को खुद को काम करना होगा। लैंडर के आखिरी 15 मिनट बेहद महत्वपूर्ण होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देश भर में अभी दुआओं का दौर जारी है, प्रार्थनाएं लगातार देशवासी कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति की नजर आज उस ऐतिहासिक घड़ी, आज उस ऐतिहासिक क्षण में होगी जहां कोई भी देश अभी तक नहीं पहुंच पाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर रख रहे हैं। इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोहान्सबर्ग से लैंडिंग देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, बड़ी जानकारी है, चंद्रयान 3 की आज चांद पर लैंडिंग होगी और देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है टेक्निकली तो उसको देखते हुए जो प्लान बी है वो भी हमारे साइंटिस्ट ने पूरी तरह से तैयार किया है। ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। 4 फेजेस होंगे इसको लेकर। लैंडिंग प्रक्रिया जो होगी वो 4:45 से शुरू हो जाएगी और पहला फेज रफ ब्रेकिंग का रहेगा। लैंडर की स्पीड फिलहाल कम रहेगी। 400 न्यूटन के 4 इंजन इसमें फायर किए जाएंगे। दूसरा फेज एल्टीट्यूड होल्ड होगा और अगर आज ये सब कुछ पॉसिबल हो जाता है तो देखिए भारत पहला ऐसा देश होगा। 4 चरणों में इसकी शुरुआत होगी और तीसरा जो फेज होगा इसका फाइन ब्रेकिंग होगा। 4 चरणों में ये प्रोसेस होता जाएगा। लैंडर चांद से 800 मीटर की सोचिए दूरी पर रहेगा। कुछ देर के लिए हो सकता है कि स्पीड भी शून्य हो जाए और उसके बाद चौथा फेज जो होगा टर्मिनल डिसेंट होगा। लैंडर चांद से 10 मीटर की दूरी पर होगा। देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल है लोगों के जहन में। स्पेशल कैमरा और सेंसर कैमरा वहां पर लगा हुआ है। लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन और जो कैमरे हैं वहां पर लगे हुए हैं। चंद्रयान 2 में एक ही कैमरा था और अगर चंद्रयान 3 की बात की जाए तो 2 स्पेशल कैमरा जो हैं वो इसमें इनहेंस किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। विक्रम लैंडर के पैरों को और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रही है। 3 मीटर प्रति सेकंड पर क्रैश नहीं होगा चंद्रयान 3। लैंडिंग के लिए नए सेंसर्स भी जोड़े जाएंगे, यानी कि ये जो चेंजेस है ये बदलाव हुए हैं। फ्यूल का कितना इस्तेमाल हुआ है लोगों के जहन में ये भी है कि कितना फ्यूल हुआ है। 4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर इलाके में इसकी लैंडिंग होनी है। हेलीकॉप्टर और क्रेन के जरिए इसको टेस्ट किया गया है। और इस बड़ी खबर पर मेरी सहयोगी त्रिशला भी मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा रुख करेंगे त्रिशला का जो कि स्पेस सेंटर में मौजूद है, वहां से जुड़ी हर एक अपडेट आपको बताएंगी। त्रिशला बताइए। और बिल्कुल आज बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन उसके पहले एक आसान भाषा में आपको समझा दूं कि किस प्रकार से लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और हम उन देशों में शुमार हो जाएंगे। पहले वो 3 देश जो यहाँ पर लैंडिंग कर चुके उसमें शुमार हो जाएंगे। चंद्रयान 3 का इतिहास रचने की घड़ी अब नजदीक आई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 की आज चांद पर लैंडिंग होगी, हिंदुस्तान इतिहास रचेगा। शाम 6:04 पर लैंडर चंद्रयान 3 पर लैंड करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हिंदुस्तान भी अब उन 3 देशों में शामिल हो जाएगा। 4 चरणों में होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रक्रिया और एक आसान भाषा में आप सभी को चलिए समझा देती हूँ। आप सभी लोगों ने हेलीकॉप्टर तो लैंड करते हुए देखा होगा, कम धीरे धीरे करके पहले वो
जो है उतरती है उसके बाद जमीन को टच डाउन करती है, यानी कि स्पीड जिस हिसाब से प्लेन का हेलीकॉप्टर का कम होता है उसी प्रकार से यह प्रक्रिया भी होनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है, चांद की सतह से जानकारी रोवर भेजेगा, यानी कि सबसे पहले रोवर वहां पर लैंड करेगा, उसमें जो एक प्रकार से जिस पर जब सीढ़ियां देखते हैं एरोप्लेन उतरने के लिए लगी रहती है वैसे उसी प्रकार से सेम वहां पर लैंडिंग होगी। रोवर वहां से निकलेगा और धीरे धीरे लैंडर धीरे धीरे जा करके वहां से तस्वीरें भेजेगा, यानी कि रोवर लैंडर की तस्वीरें भेजेगा, लैंडर जो है वो रोवर की तस्वीरें भेजेगा। लैंडर को लेकर इसरो का प्लान बी भी तैयार है, किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है तो 27 अगस्त को ये लैंडिंग होगी, यानी कि इस बार पूरी तैयारी के साथ, हर बार भी पूरी तैयारी के साथ तमाम जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है वो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार चीजें और अच्छी तरीके से की गई हैं, यानी कि हिंदुस्तान जो है वो अपना इतिहास रचने का काउंटडाउन शुरू कर चुका है। देश भर में दुआओं का दौर भी लगातार जारी है, पल पल पर पीएम मोदी की नजर रहेगी, यानी कि इस ऐतिहासिक पल के पल पल की अपडेट पर प्रधानमंत्री की नजर रहेगी। हालांकि वो जोहान्सबर्ग में है लेकिन वहां से वो लगातार जुड़े रहेंगे, इसके जरिए पल पल की नजर उनकी भी रहेगी। हिंदुस्तान एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है, लगातार दुआओं का दौर जो है वो हिंदुस्तान में जा रहा है। इन सबके बीच एक अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल्स में बच्चों को सॉफ्ट लैंडिंग दिखाई जाएगी। शाम 6 बजे चांद 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होगी, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 उतरेगा और हिंदुस्तान एक इतिहास रच देगा। इतिहास रचने की घड़ी नजदीक आ गई है, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। दक्षिणी पोल की अगर हम बात करें तो ये वो एरिया है जहां पर कई दशकों से सूर्य की जो रोशनी है वो यहां पर नहीं पड़ी है, जिसके चलते यहां पर ठंड भी, अगर तापमान की हम बात करें तो अधिकतम तापमान में यहां पर ठंड रहती है और यहां पर हिंदुस्तान सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला ऐसा देश बन जाएगा। इसके पहले दक्षिणी पोल यानी साउथ पोल पर किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं की है। और हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी है, हम स्वाति के पास आपको लिए चलते हैं। स्वाति,